दोस्तों जैसे आप अपने स्मार्टफोन में अपने इंटरनेट की ट्रैफिक स्पीड, अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड देख सकते हैं, वैसा ही आप चाहते होंगे कि आप अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप को ले लें तो वहाँ भी आप सोचते होंगे कि क्यों ना हम स्पीड को यहाँ भी मॉनिटर कर पाए। तो अगर आप विंडोज़ की सेटिंग को ले लें तो यहाँ पर ऐसी कोई सेटिंग नहीं है विंडोज़ के द्वारा जिससे ये पॉसिबल हो पाए कि आप अपने ट्रैफिक स्पीड को देख पाएँ। अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं है, इन फ्यूचर में भी विंडोज़ 10 के कोई अपडेट्स आ जाए उसके बाद पॉसिबल हो पाए, लेकिन अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं आपको आगे की वीडियो में इसकी डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और कैसे इसे यूज करना है ये सारी चीज़ें बताऊँगा। और दोस्तों इसकी इंस्टॉलेशन, स्पेशली इसकी इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग को कभी स्किप मत करना क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके विंडोज़ 10 और 8 के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है। जो लोग यूजर जो भी विंडोज़ 10 और उससे नीचे वाले वर्जन यूज कर रहे हैं वो तो इसे बड़ी आसानी से चला लेंगे, लेकिन विंडोज़ 8 और 10 वाले यूजर उनको प्रॉब्लम आ सकती है, इनफैक्ट उनके सिस्टम में ये इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो आप इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ज़रूर देखें और उसके बाद आप इसकी सेटिंग को देख ले और उसके बाद आप अपने मनमर्जी इसे सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी डाउनलोडिंग लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसके बगल में एक लाल कलर का बटन होगा जिसे सब्सक्राइब बोलते हैं, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि आपकी डाउनलोडिंग स्पीड थोड़ी बढ़ जाए। अरे यार मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, वो उससे क्या होगा थोड़ी बहुत मेरी सब्सक्राइबर काउंटिंग बढ़ जाएगी। सो दोस्तों इसको यूज करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और वो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, उसके लिए एक डाउनलोडिंग लिंक है जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर जा सकते हैं या मेरे लिंक को फॉलो कर सकते हैं। वही सेम लिंक मैं यहाँ पर अपने एड्रेस बॉक्स में डाल के एंटर मारता हूँ तो ये जो लिंक है डायरेक्टली उस वेबसाइट पर जाएगा। उससे पहले इसके बीच में कुछ एड्स आएंगे तो आपको इस ऐड को कैसे स्किप करना है मैं आगे आपको बताता हूं। तो जैसे ये लोड होता है यहां पर ये अलाउ टू कंटिन्यू आता है, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, यहां वार्निंग मैसेज आता है उसे कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद एक ऐड होगा उसे क्लोज कर देना है, अगेन आप कंटिन्यू करेंगे यहां पर आपको वो टाइमर चलता हुआ दिखेगा, ये जब टाइमर स्किप करेगा तो यहां पर स्किप ऐड का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही इस ऐड को स्किप करते हैं आप फाइनल डाउनलोडिंग पेज पर चले जाते हैं। यहां पर आपको 32 बिट और 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो अगर आपके पास 32 बिट का सिस्टम है तो आप इंटू 86 वाला कर सकते हैं और अगर आपके पास 64 बिट वाला है तो इंटू 64 वाला डाउनलोड लिंक कर सकते हैं। तो मैं 64 बिट का आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर 64 बिट ही यूज करती है आज के टाइम में। तो यहाँ पर आप डाउनलोड स्टार्ट करते हैं तो आपके कुछ सेकंड के बाद डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि मेरा डाउनलोडिंग यहां पर स्टार्ट हो गया है, तो मैं अब इस डाउनलोड को ओपन कर लेता हूं इस फाइल को। अब क्या करना है आपको इस फाइल को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये आपके पास मैसेज आता है कि ये सपोर्टेड सिस्टम नहीं है, मैं अभी विंडोज 10 की सिस्टम यूज कर रहा हूं और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है आज के टाइम में विंडोज 10 यूज करते हैं, तो विंडोज 10 के नीचे का वर्जन, इनफैक्ट विंडोज 8 भी इसमें सपोर्टेड नहीं है, विंडोज 7 विंडोज विस्टा वगैरह सपोर्टेड है लेकिन विंडोज 10 इस विंडोज 8 सपोर्टेड नहीं है। अरे 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 कहां चले, इधर आओ, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे भाई। तो यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर को अपने विंडोज 10 के सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के कंपेटिबल कैसे बना सकते हैं। तो आइए आज आगे के स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं जहां हमारा फाइल डाउनलोड हुआ है, तो ये मेरा फोल्डर जहां पर मेरा फाइल डाउनलोड हुआ है। तो अब इसको क्या करना है आपको यहां पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है ट्रबल शूट कॉम्पेटिबिलिटी, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके जो सॉफ्टवेयर है उसको
विंडोज 10 के कॉम्पेटेबल बना देगा, या भी जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उससे कॉम्पेटेबल बना देगा इस सॉफ्टवेयर को। तो ये थोड़ा समय ले सकता है, इसलिए आप पेशेंट रहिए थोड़ा। देखिए अब क्या है, अब हमें टेस्ट करना है, तो यहाँ पर टेस्ट प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को डोनेट करना तो आप यहाँ से क्लिक करके डोनेट कर सकते हैं, और अगर नहीं डोनेट करना चाहते हैं तो अब बाकी नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट द टर्म्स, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इंस्टॉल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है अब आपके विंडोज 10 या विंडोज 8 में भी इसी प्रोसेस से इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसको आप मिस कर गए तो आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ओके नाउ हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। आप क्या करना है, आपको यहां पर जहां पर आपकी डायरेक्टरी है, जहां पर सी ड्राइव में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, इसके कोई शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पर नहीं बनती है ऑटोमेटिक। तो आपको क्या करना है, यहां पर सी ड्राइव में जाना है, यहां पर प्रोग्राम फाइल्स, देन नेट स्पीड मॉनिटर। यहां से आप राइट क्लिक करके इसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पर डेवलप कर सकते हैं, बाद में इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ इसे डबल क्लिक करके यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को ऑन करना होगा। जब भी ये आपका नेट स्पीड मॉनिटर टूल बार ऑन होता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा यस और नो करने का, तो आपको इसे यस करना है। तो यहाँ पर आप डाउन बिलो जो टास्क बार पर देख सकते हैं आपकी स्पीड जो है वहाँ रीड करने लगती है। अगर यहाँ पर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका मॉनिटरिंग ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जाके आप अपने जो वायरलेस कनेक्शन या लैन केबल कनेक्शन उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर उसकी स्पीड को चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर उसकी बिट रेट को भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं, डेटाबेस, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इन सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली आपका जो स्पीड है आपके टूल बार में दिखने लगा है, और ये काफी अच्छा लगता है और काफी आपके लिए मददगार होता है। आपको पता चलता है कि आपकी जो इंटरनेट है वो एक्चुअल में चल रही है कि नहीं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप अपने जो डेटा कंजप्शन है, पर डे की डेटा कंजप्शन को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके ये जो डेटा ट्रैफिक ऑप्शन आता है इसे क्लिक करते हैं, तो ये जो लास्ट 3 दिन का डेटा है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। तो आप भी अपने डेटा जो लास्ट कुछ दिनों के डेटा, लाइक मंथ के भी डेटा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं या डे वाइज में। क्योंकि मैं इसे बस 3 4 दिनों से यूज कर रहा हूँ तो यहाँ 3 दिन का ही डेटा यहाँ पर दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पर जो सेंट है, मतलब ये अपलोडिंग जितना भी अपलोड हुआ है, ये रिसीव है, जितना भी डेटा रिसीव हुआ है, तो टोटल काउंटिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं।